हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आरपीएफ ट्रेडमैन भर्ती का आपका 28 मार्च थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो है पर कंडक्ट हो चुका है और 100% रियल क्वेश्चन जो है हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। विद प्रूफ के फ्रेंड यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर बताए जाएंगे और आप लोगों द्वारा ही हमें यहाँ पर सेंड किए गए हैं। फ्रेंड्स, थर्ड शिफ्ट का एग्जाम की पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ है, थोड़ी देर में जो है वो अपलोड हम यहाँ पर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप छोटी सी रिक्वेस्ट करना, यदि आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और इस बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप हमारा कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। फ्रेंड्स, यहां पर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी का। ग्रुप डी के लिए डेली यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, सब्जेक्ट बाई प्रैक्टिस सेट होंगे, तो कुल मिलाकर आपको 6 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम डेली सेट करा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, एज ए प्रूफ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसकी वीडियो जो हमने बनाया था, उस वीडियो पर जो है आपका एक जो प्रदीप कुमार जी ने यहाँ पर कमेंट किया है और सारे क्वेश्चन जो है वो प्रदीप कुमार जी ने यहाँ पर लिखे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रदीप कुमार जी जिन्होंने यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भेजे हैं। जिन लोगों का कल एग्जाम है वो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में क्वेश्चन लिखिएगा, आपका उनका भी जो है इसी प्रकार से यहाँ पर नाम लिया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर भेजे हैं। तो फ्रेंड आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रदीप कुमार जी का ही जो है भेजा हुआ क्वेश्चन है। सर, थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस आर, देखिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका आईपीएल रिलेटेड टू विच गेम। देखिए आईपीएल जो है वो सभी लोग जानते हैं, यू आर वेरी वेल नो, आईपीएल रिलेटेड है आपका जो है क्रिकेट से रिलेटेड है और आईपीएल जो है इस समय फिलहाल चल भी रहा है तो सभी लोगों को पता होगा, डेफिनेटली क्वेश्चन सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीएम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आपको बता दूं कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजयनगर शहर की कैपिटल क्या थी? देखिए विजयनगर शहर की कैपिटल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पेमा खांडू जो है वो विजयनगर की जो है वो कैपिटल थी। और विजयनगर साम्राज्य जो है वो आपका कहाँ से लगता है? ये जितना भी आपका साउथ भारत है, ये आपका केरल तमिलनाडु आंध्रा से लेकर और जो नीचे के राज्य हैं ये सभी जो है वो विजयनगर साम्राज्य में आते थे। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपका एक तो विजयनगर थी सबसे पहले, उसके बाद आपका पेनुकोंडा हो गया था, उसके बाद जो है वो आपका चंद्रगिरी भी किया गया था। आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया था ये जो है आपको डिपेंड करना होगा फ्रेंड, तेलुगु राजधानी आपका इसमें रही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फुटबॉल का कुंभ किस स्टेडियम को कहा जाता है? देखिए फुटबॉल का कुंभ स्टेडियम को कहा जाता है, सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया में वो है आपका प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में, जिसकी क्षमता है लगभग 1,14,000 जो है वो उसकी इफिशियंसी है, 1,14,000 बैठने की क्षमता है। ठीक है, तो उस स्टेडियम का नाम है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रनगुराडो मे डे स्टेडियम आपका फुटबॉल का कुंभ स्टेडियम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पेनिसिलिन की खोज आपका दो वैज्ञानिकों के नाम आपको मैंने पहले बताए थे, एक तो स्टॉकिस दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्टॉकिस और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने ही जो है पेनिसिलिन की खोज किया था। आप कब किया था आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो आपका किया था ये 1928 में आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर है आपका संपत्ति अधिकार। बिल्कुल सही बात है आपका, संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपका, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट में से जो है सरकार ने निकाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका इंडिया गेट किस स्टेट में है? वी आर ऑल नो इंडिया गेट जो है वो देश की कैपिटल दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है इंडिया गेट। नेक्स्ट आपका न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू, देखिए न्यूरोलॉजी जो है वो किससे संबंधित होती है? मैं आपको बता दें न्यूरोलॉजी का मतलब होता है नसों का अध्ययन। ठीक है, जो शरीर में नसें होती हैं और मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है आपका, नसों का अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो आपका नसों का अध्ययन करने वाले को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। विलियम बेंटिंक पर एक क्वेश्चन था सर, शायद विधवा पुनर्विवाह, जी हाँ विधवा पुनर्विवाह पर जो है वो विलियम बेंटिंक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने उस समय रुकवाया था या फिर पूछा सकता है कि उस समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 10, नींद आपका सोने से रिलेटिव है तो लकवा किससे रिलेटिव है? यू नो यकवा जो लकवा आपसे रिलेटेड होता है कि कोई भी इसमें जो है वर्क नहीं करता है, शरीर का जो है कोई भी अंग आपका वर्क नहीं करता है, तो जो भी शब्द दिया हुआ था मैं यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है इस समय,
मैं आपको यहाँ पर बता भी देता भी, इंडिया का सबसे पुराना गेम कौन सा है, सबसे पुराना गेम। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पुराना गेम आपका कहा जाता है चेस। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेस। और इसके इतिहास में आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ। आप लोग बहुत से लोगों कहा होगा कि सर चेस कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो गेम खेला गया था वो आपका जो यही चेस गेम महाभारत में खेला गया था, और उस समय इस गेम का नाम था आपका आस्थापेडा। ठीक है, आस्थापेडा उस समय खेला गया था महाभारत में। लेकिन जब आपका गुप्त साम्राज्य आया तो गुप्त साम्राज्य ने इस गेम का नाम बदलकर चतुरंगा कर दिया। ठीक है, इस गेम का नाम बदलकर क्या कर दिया, चतुरंगा कर दिया। और उसके बाद गुप्त साम्राज्य ने भी इसको खूब खेला। उसके बाद अपने देश में पारसी आए और पारसियों ने इस गेम का नाम बदलकर शतरंज कर दिया। इस गेम का नाम बदलकर शतरंज कर दिया पारसियों ने। पारसियों के बाद भारत पर आगमन हुआ ब्रिटिश का, और ब्रिटिश जो अंग्रेजों को जो है वो इंडस वैली ट्रीटी से जो है, जो आपका यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता से इसके जो अवशेष प्राप्त हुए, और उसके कारण जो है उन्होंने देखा कि ये कोई ना कोई सा गेम जरूर था, और इस गेम का नाम उन्होंने जो है फिर यहाँ पर चेस कर दिया। ठीक है, इस गेम का नाम पहले गुप्त साम्राज्य के दौर पर क्या था, चतुरंगा था। पारसी के दौर पर क्या था, शतरंज था। और ब्रिटिशों के दौर पर क्या हो गया, वो हो गया चेस। ठीक है, ये आपका इतिहास है। सबसे पहले इसका चेस राइट आंसर हो जाएगा। तो नेशनल पार्टी का दर्जा कौन सा आयोग देता है, नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो सभी लोग जानते हैं, चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग जो है सब रिलेटेड, जितने भी चुनाव से रिलेटिव है जो वो चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, फेडरेशन किस देश की संविधान से लिया गया है, फेडरेशन संविधान किस देश संविधान से लिया गया है, मीन्स राज्यों का संघ। अच्छा, राज्यों का संघ जो है वो किस देश के, वो लिया गया है, देखिए फ्रेंड, अमेरिका के संविधान से आपका, अमेरिका के संविधान से आपका राज्यों का संघ जो है लिया गया है। देखिए नेक्स्ट, आपका भारत के कौन से पीएम हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो है वो दिया गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड यहाँ पर ये देखना होगा आपको, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है। पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान का नाम होता है आपका निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान जो है वो सर्वोच्च, तो ये दिया गया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को जो है वो ये भारत पाकिस्तान ये निशान जो है वो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। अब ये भी पूछ सकता है फ्रेंड यहाँ पर, ये कब दिया गया था मोरारजी देसाई को ये पाकिस्तान निशान है पाकिस्तान, तो आपका ये 19 मई जो है 1990 को दिया गया था जी। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 19 मई 1990 को आपका मोरारजी देसाई को पाकिस्तान निशान से नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दो क्वेश्चन थे। देखिए मैथ का यहाँ पर लिख दिया है, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भेजे। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दो क्वेश्चन थे, बहुत ही आसानी होगा उन लोगों को जिन लोगों का कल यहाँ पर एग्जाम है या फिर आने वाले समय एग्जाम है। देखिए मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था आपका, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, हो सकता है कि बेलन शंकु से ही आधारित होगा यहाँ पर। और प्रेजेंट यहाँ पर परसेंटेज से दो क्वेश्चन थे। देखिए परसेंटेज से दो क्वेश्चन आपका आते ही आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी दो क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये दो टॉपिक तो आपको हर एक एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से बन जाते हैं। ये DI पूछा गया था यहाँ पर जो है, DI पूछा गया था, डेटा इंटरप्रिटेशन दो क्वेश्चन का पूछा गया था। DI यहाँ पर कम क्वेश्चन में आया है, कम से कम 5 क्वेश्चन में जो है वो DI आता ही है। नेक्स्ट आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, दो क्वेश्चन जो है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के एक एक क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, और क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी भारी नहीं होगा फ्रेंड। देखिए RPF में जो है क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूँ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से, कि कोई धन है वो कितने वर्षों में अपना जो है इतने परसेंट की दर से अपना जो है वो डबल हो जाएगा या फिर 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है आप इस प्रकार से ही जो है वो देख कर जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, हार्ड थे थोड़े, 2 क्वेश्चन टाइम लगा। ओहो, यहाँ पर लिखा है उन्होंने नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल जो था वो हार्ड था। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए टॉपिक तो जो है इसी प्रकार से बनाया जाता है, यदि कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो कुछ आपका जो है वो इजी भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का जो है, या DI का जो भी आपका टॉपिक है, ये सब इजी वाले टॉपिक है। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत आपको ज़्यादा होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसलिए नंबर सिस्टम में थोड़ा सा उन्होंने जो है वो हार्ड जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं, तो थोड़ा नंबर सिस्टम भी पढ़कर जाएगा। नंबर सिस्टम में से जो है कल को भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, पहले ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था फ्रेंड। और कट ऑफ के लिए जो है ना, कट ऑफ आपका जो है वो जैसे ही एग्जाम आपका स्टार्ट खत्म हो जाएगा, आप सभी लोगों से डिस्कस किया जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी आपका जो है वो डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, चलिए थोड़े 2 नंबर टाइम लगा। ओके, कैलकुलेटर में नाम लेना सर मेरा वीडियो में। ओके प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।
और हमारे साथ बने रहिए। आप लोग जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है सो प्लीज़ आप हमें जो है वो क्वेश्चन सेंड करें, जैसा मिस्टर प्रदीप बिश्नोई जी का जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैसा ही ठीक आपका भी नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। थैंक यू प्रदीप बिश्नोई जी, और आगे भी जो है आई होप आप सभी लोग जो हमें क्वेश्चन सेंड करते रहेंगे फ्रेंड। और आप जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है परसों एग्ज़ाम है उनके लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, और आप सभी लोग जो है वो ऑल द बेस्ट। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी प्रिपरेशन करें, जो भी आपको जो है टॉपिक बताए गए हैं वो यहाँ से अपना जो है वो देख कर जाए, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक प्रकार का आइडिया आपको यहाँ पर हो जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि 10 बजे ठीक 10 बजे रात को जो है वो तीनों शिफ्टों के जो है RPF में पूछे गए तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग जो है यहाँ पर आ जाना, सभी लोग लाइव आपको जो है वो आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लेना, जब भी आपको लाइव आएंगे हम जो है आपको नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।